आज मनी प्लांट की थोड़ी देख रेख कर लेते हैं, सूखी पत्तियाँ आती हैं निकाल लेते हैं। देखिए कितने पत्ते हैं, जो कटे फटे पत्ते हैं वो भी थोड़ा निकाल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। ये दोस्तों थोड़े दिन पहले मैंने मनी प्लांट के बीज एक टहनी लगाई थी मैंने, इसकी जो बाइन है उसके ऊपर चढ़ाने के लिए, छोटी सी है, इसकी काफ़ी लंबी लंबी हो गई थी तो मैंने काट दी थी, आगे से ख़राब भी हो गई थी। तो ये देखिए मैंने ना उसके आसपास लपेट दी थी थोड़ी थोड़ी, कितना ऐसे बुशी टाइप बन गया गमला। तो उस दिन की थोड़ी पत्तियाँ कोई कटी फटी है कोई टूटी हुई है, तो मैं आज सोचा चलो निकाल लेती हूँ। ये देखिए कुछ पीली पड़ गई पत्तियाँ, ये साथ साथ में निकाल देनी चाहिए। देखिए ये मैंने पोर्च से उठा के इस गमले को उधर पीछे रख दिया हुआ है थोड़ा ऐसे ही हो गया था, तो अब देखिए कितना अच्छा हो गया। इसमें थोड़ी सी मैं बर्मी कंपोज और मिट्टी मिला के डालूंगी गमले में, इसमें कम है मिट्टी। कितने सारे पत्ते निकल गए हैं इसकी सूखे, ये देखिए कितने हेल्दी पत्ते हैं, कलरफुल लाइट और डार्क। देखिए ये है, ये मैंने बर्मी कंपोज और मिट्टी मिलाई हुई है, ये थोड़ी डाल दूंगी इसमें। ये देखिए ये अपराजिता का प्लांट है, बाइन है, ये देखिए ये कितनी बड़ी हो गई है। इसमें भी मैंने स्टिक लगाई थी लंबी लंबी, और ये देखिए सिंगोनिया का, इसमें भी पत्तियां काफ़ी सूख गई। ये भी दोस्तों मैंने तेल के डिब्बे में लगाई हुई है, तेल का डिब्बा खाली हो गया था कैनी, तो उसको काट के ये उसी के बीच मैंने लगाया हुआ है। देखिए इसमें भी डालूंगी थोड़ी मिट्टी, कम लग रही है। तो ये देखिए ये दोस्तों शम्मी का प्लांट मैं लाई थी, छोटा सा ही था, ये ऊपर से मैंने कटिंग करके एक दिन कटिंग करके तो लगा दी मैंने, तीन कटिंग लगा दी, ये दो तो सूख गई हैं और ये तीसरी जो है ये हरी है अभी, ये देखिए है ना। ये देखिए ये एक तो चल पड़ी है, मैं सोच रही हूँ ये भी कर दूँगी ऊपर से थोड़ा कटिंग करके लगा दूँगी,
ताकि ये नीचे वाला जो है ये बुशी प्लांट बन जाए। और इसकी भी मैंने दो कटिंग लगाई थी, ये दोनों ही चल पड़ी हैं। ये देखिए, ये आगे से मैंने पिंच करके ये दोनों लगाई, दोनों चल पड़ी। ये देखिए स्पाइडर प्लांट कितना सुंदर दिख रहा है, ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है अभी। ये पत्तियां टूटी हुई हैं। ये देखिए आम खा खा के गुठलियां डाली हुई हैं और प्लांट निकल आया। ये दोस्तों नीचे आ रही है टहनियाँ इसकी, ये भी बांध दूंगी मैं ऊपर करके। ये देखिए कैक्टस, ये कैक्टस की वैरायटी है, छोटा सा एक और निकल रहा है। ये देखिए बहुत स्लो इसकी ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये भी मैंने, ये लंबा लंबा एक ही था ऊपर से, ये भी स्पाइडर प्लांट की तरह ही है, नाम पता नहीं क्या उसका। ये देखिए टहनी टूट गई है, ये मैंने बीच में लगा दी, इसकी टहनी लग जाती है। ये देखिए ये भी कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, इसका नाम पता नहीं क्या है। ये देखिए सदाबहार के रंग बिरंगे फूल। ये कड़ी पत्ता है बीच में, मनी प्लांट की कटिंग लगाई है मैंने। ये जो गमला मैं पहले शुरुआत में पहले जो की है दिखाया, ये उसी की कटिंग मैंने लगाई हुई है। इसकी भी कटिंग कर दूंगी हार्ड प्रूनिंग कड़ी पत्ते की। ये देखिए सदाबहार, ये वाइट वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये मेरे पास नहीं था तो पिछले साल मैं अपने भाई से लाई थी। ये देखिए कितना सुंदर है। पानी लगाने वाला हो गया, आज धूप बहुत तेज निकली है, ऐसे थोड़े मुरझाए से लग रहे हैं प्लांट। ये देखिए ये भी मैंने डिब्बे में लगाया हुआ है, पर्पल हार्ट। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करती हूँ।